सो इनफ ऑफ लेसन्स टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ आई स्पीक विथ माई सेल्फ इन इंग्लिश. तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बोला है, पूछा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कि हमारे पास कोई बात करने के लिए नहीं है, हम कैसे बात करें लोगों से, हम कैसे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करें. तो मैं आपको यही बता देना चाहती हूँ कि मैंने जब इंग्लिश की कोचिंग ली थी तो मैं भी यही पूछती थी अपने जो ट्रेनर है उनसे कि इंग्लिश में कैसे बात करूँ, मेरे पास कोई नहीं है. सो उन्होंने मुझे एक सलाह दी थी कि यू डोंट नीड एनीवन टू टॉक विद, सो यू आर सफिशिएंट फॉर योरसेल्फ, यू डोंट नीड एनीवन, क्योंकि आप किसको ढूंढोगे, आप को अगर इम्प्रूव करनी है तो खुद से ही बात करनी पड़ेगी. इस लेसन में आपको यही बताने वाली हूँ कि आप खुद से कैसे बात कर सकते हैं, और खुद से ही बात करके मिरर के सामने. तो आप जैसे डेली लाइफ में कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलें, या आप जैसे कोई वर्ड आता है या सेंटेंस आता है हिंदी में तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, तो मैं यही आपको बताने वाली हूँ. आप लास्ट तक ये वीडियो देखिए. अगर आपको हेजिटेशन होता है या कॉन्फिडेंस आपको लो लगता है या आपके पास कोई नहीं है इंग्लिश में बात करने के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगा. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. और आपको किसी भी सेंटेंस में परेशानी ना हो करके मैंने सब टाइटल जो है हिंदी में लिख दिए हैं, ताकि आप जो है सेंटेंस फॉर्मेशन भी समझ पाएं कि किसी भी सेंटेंस को हिंदी में कैसे बोला जाता है. वेलकम टू इंग्लिश विद सना, एंड लेट्स स्टार्ट द लेसन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू दैट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर हेल्प्स यू अ लॉट. आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट वेन आई स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर आई सी माई एक्सप्रेशंस एज वेल एज आई सी दैट हाउ आई एम टॉकिंग. इट ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप योर कॉन्फिडेंस. So try to speak in front of mirror, or whatever sentences you use in Hindi, try to convert it in English and try to use them. So I'll be telling you that how I do this, okay? Whenever I go to bed at night, I speak to myself, did I alarm lagaya hai ki nahi, have I set the alarm or not? If I haven't set the alarm, then I'll be late for office or late for work. So what I do is I keep questioning and answering to myself that maine kuch kiya hai ki nahi, main kuch bhool to nahi gayi hu, to main ise English mein bolti hu ki maine alarm set kiya hai ki nahi, या मैं सुबह लेट तो नहीं हो जाऊंगी. इनफैक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर ऑल्सो आई स्पीक फॉर 5 मिनट्स डेली. सो आई विल बी टेलिंग यू टुडे दैट व्हाट टॉपिक्स कैन यू चूज फॉर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर. सो यू कैन चूज एनी टॉपिक लाइक एजुकेशन. सो चूज एनी टॉपिक ऑन विच यू कैन स्पीक फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स, देन ओनली यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश. सो डोंट वरी, इट हैपन्स, एंड इट हैपन्स विद एवरी वन. इट हैज़ हैपन्ड विद मी ऑल्सो. सो इन पास्ट वेन एवर आई ट्राइड टू टॉक इन फ्रंट ऑफ मिरर और ट्राई टू टॉक विद माई सेल्फ, आई गॉट स्टक एट सम पॉइंट्स and I was not able to convert the words in English. I didn't stop there. I kept on doing it for 10 days continuously. Then I realized that I have improved a lot. You can also do it. Just jot down the sentence in your notebook and try to convert it in English. Keep on doing this one thing daily and you will see for yourself that there is a drastic improvement in your speaking, in your way of expressing your thoughts. Try to speak small Hindi sentences in English. When someone comes to your house, just ask them that how are you or what's going on or how are things. तो आप ऐसे बोल सकते हैं, and आप बोल सकते हैं nice to meet you, could you please open the door, I'm not able to do it, can you please help me in something. So first thing is that you need to know the tenses. So it's not like that you'll learn all the tenses and then just start speaking. You have to speak along with learning the grammar portion. And one thing I have seen that people copy the accent of others. So there's no such thing as a standard accent. So whatever suits your tongue or whatever suits you, you can speak in that accent. See what happens, that whenever we see someone speaking in British or American accent, we always try to copy them because we are fascinated by their accent. But I think you shouldn't do it. Be as natural as possible, because this is the only way you can get over those fears and then be clear to the other person, or you can do clear communication and effective communication. And you won't believe that sometimes I'm the only speaker and I'm the only one who is talking in English and the other person is just listening or speaking in Hindi. So it has happened with me that I've spoken with my brother or my cousins. It is often one way only. I speak in English and they speak in Hindi. So it happens that if you want to learn something, you have to keep on practicing. So this is the only key to get a hold over this language and to get a grip over this language and speak it with a flow. And one thing you need to take into consideration is that you need to take a little pause. So you need to take necessary pauses while speaking. Suppose you are asking, what are you doing? Okay, so you have to just emphasize on what are you doing. सो एक एक वर्ड पे आपको एम्फेसाइज करना है कि तुम क्या कर रहे हो. जो ऐसा बोलते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो आप बोलेंगे नाइस टू मीट यू. तो अगर आप बोल देंगे नाइस टू मीट यू, तो ये थोड़ा अजीब लगता है. सो ये क्लियर कम्युनिकेशन नहीं क्रिएट करता है. सो आपको चाहे वो छोटा ही सेंटेंस क्यों ना हो, आपको बस बोलना है, छोटी छोटी सेंटेंसेस को बोलना है कि कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, कुड यू प्लीज़
गेट मी दिस, कुड यू प्लीज बाय मी समथिंग, या आपको ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ जोड़ के बोलते जाना है रोज रोज रोज. एंड वन मोर थिंग दैट वी ऑल स्पीक विद आर सेल्व्स. सो दिस इज़ एन इटर्नल ट्रुथ कि हम खुद से तो बात करते ही हैं. तो हम जब खुद से बात कर रहे होते हैं ना कि अरे मुझे वो करना था, अरे मुझे ये करना था, मैं वो भूल गया, तो आपको बस इसे इंग्लिश में बोलना है. तो ऐसे करके धीरे धीरे जो है आप जो है फ्लुएंसी डेवलप कर लेंगे. एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई हैव यूज्ड एन ऐप वेयर यू कैन टॉक विद द पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बट दैट वॉज नॉट इफेक्टिव बिकॉज सो आफ्टर सम टाइम वॉट हैपन्स इज दैट दे स्टार्ट टॉकिंग रबिश एंड यू कॉन्ट डील विद इट. So it's better that you speak with yourself rather than speaking to an unknown person whom you can't trust on. See, if you really want to get a hold over this language or you really want to master this language, it is only you who can do it. No one else is going to do it for you. So, along with speaking with yourself and speaking in front of mirror, one thing you need to do is watch some English movies or English series, and reading newspapers can also benefit you a lot. Because I have observed this thing that in newspaper you get to know so many things. So I just want to ask you one thing. जैसे बारिश होती है हमारे यहाँ तो बोलते हैं ना कि यहाँ गले तक पानी आ गया था, तो आप उसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? तो उसे बोलते हैं नेक डीप वाटर, मतलब गले तक जो है पानी आ गया था, मतलब इतनी बारिश हुई थी कि गले तक पानी आ रहा था, तो इसे आप नेक डीप वाटर बोलते हैं. तो ऐसे जो छोटे छोटे फ्रेजेस हैं वो कैसे सीखेंगे आप? न्यूज़पेपर पढ़ के या मूवीज़ देख कर. तो यही एक तरीका है आपका इम्प्रूव करने का इंग्लिश. So this can't be done in a day or two. Learning a new language, a secondary language, is something which takes a lot of patience, which takes a lot of practicing, and you can only get a hold over this language when you practice a lot. So there is no shortcut to it. So I just want to sum up whatever I have told till now, that speaking with yourself and watching movies, reading newspapers, speaking in front of mirror, and trying to convert the day-to-day Hindi sentences into English. So whatever I have told you today, if you bring this into your daily life, then definitely you will see that you are improving and you can see for yourself that you have improved a lot. So hope your video aapko pasand aaya hoga, you like the video, and if you like the video then do share the videos to others as well. Subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon, kyunki aage aapko aise acche notifications aane wale hain. And if you have any doubt related to the video or any other portions of the grammar, you can without hesitation comment me in the comment section. I'll surely address them as soon as possible. Do follow me at my blog, that is talismanicchange.blogspot.com, jahan pe maine acche articles likhe hain that can help you build English sentences in an easy way. Thank you so much for giving your precious time to me and to this video. Happy learning.